नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco X3 versus Vivo iQOO Z3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco X3 में 6.51 इंच जबकि iQOO Z3 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco X3 से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco X3 में 3 इंच जबकि iQOO Z3 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco X3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco X3 में 0.4 इंच जबकि iQOO Z3 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco X3 में 225 ग्राम्स जबकि iQOO Z3 में 185.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco X3 में 6.67 इंचेस जबकि iQOO Z3 में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco X3 में 1080x2400 और iQOO Z3 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco X3 में 85.16% जबकि iQOO Z3 में 84.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco X3 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iQOO Z3 में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco X3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और iQOO Z3 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco X3 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iQOO Z3 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco X3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और iQOO Z3 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco X3 में Adreno 618 जबकि iQOO Z3 में Adreno 620 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco X3 में Qualcomm Snapdragon 732G और iQOO Z3 में Qualcomm Snapdragon 768G मिलता है। बात करें RAM की तो Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि iQOO Z3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि iQOO Z3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco X3 में अप टू 512GB जबकि iQOO Z3 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco X3 में Android V10 Q जबकि iQOO Z3 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco X3 में 6000 mAh जबकि iQOO Z3 में 4400 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोको X3 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,995 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iQOO Z3 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,990 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 22,990 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में iQOO Z3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है, जो कि 12,180 रुपए में मिलता है। दूसरा Vivo Y72 5G है, जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Poco X3 Pro है, जो कि 20,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16 है, जो कि 13,990 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।